कारकिर्दीत सर्वोच्च स्थानावर असताना मी चित्रपट सृष्टीतून बाहेर पडले आणि अमेरिकेला गेले. त्यानंतर कामात अनेक वर्षाचा खंड पडला, पण आता मी भारतात परतले असून अभिनय आणि नृत्य क्षेत्रात पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. माझ्याकडे सध्या काही ऑफर देखील आहेत. लवकरच एखाद्या चित्रपटातून किंवा वेब सिरीजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येईल अशी घोषणा अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री यांनी केली आहे. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित सांस्कृतिक कट्टा या उपक्रमांतर्गत शेषाद्री यांनी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अमिताभ बच्चन, जॉकी श्रॉफ, सनी देओल आदी कलाकारांसह काम करताना आलेले अनुभव कथन केले. याप्रसंगी संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडबोर, सरचिटणीस सुकृत मोकाशी उपस्थित होते. चित्रपटसृष्टीतून बाहेर पडण्याच्या निर्णयाची खंत वाटत नसल्याचे शेषाद्री यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, मी विवाहानंतर अमेरिकेला स्थायिक झाले, कुटुंबाला वेळ दिला, तेथे मुलांना नृत्यही शिकवले, मात्र आता परतले असून पुण्यात स्थायिक झाले आहे. पुनरागमनासाठी खूप वेळ घेतला असे वाटत नाही, ही वेळ योग्य वाटत आहे, त्यामुळेच पुनरागमन करते आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मराठीमध्ये काम करण्यास आवडेल का या प्रश्नावर शेषाद्री म्हणाले, मराठीमध्ये काम करण्यास मी नक्कीच उत्सुक आहे. मराठीतील अनेक अभिनेत्री दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम करतातच, त्यात भाषेचा अडथळा येत नाही. मला तर मराठी बरीच समजते, त्यामुळे चांगला चित्रपट आणि उत्तम दिग्दर्शक असेल तर नक्कीच मराठीत काम करेल, असं त्यांनी सांगितलं. टेलीविजन और वेब सीरीज के ऑफर्स आए हैं. इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं. मैं समझ गई हूँ कि अब मैं एक अलग किस्म की इंसान बन चुकी हूँ. मेरे एज के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से, तो मैं थोड़ा सोच समझ के ही आगे कदम उठाऊंगी कि कौन सा पहला आएगा लोगों के सामने. पर एक मेरी एक कला है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ, लेकिन मैं गायक भी हूँ. तो उसको लेके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, वेंचर्स आगे आने वाली हैं, जिसमें आप मुझे गायिका के रूप में भी देखेंगे. और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा रूप ऑडियंस ने कभी नहीं देखा. और जब मैंने शादी करके USA माइग्रेट किया, मैंने बहुत सोचा कि मैं इतने अच्छे फिल्म करियर को छोड़ रही हूँ, भारत छोड़ के जा रही हूँ, जहाँ मेरे म्यूज़िक, डांस, जो जो मेरी कलाएँ हैं, USA में क्या मालूम मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. लेकिन उस वक्त मैंने अपने पर्सनल लाइफ को ज़्यादा महत्व दिया. मेरे दो प्यारे बच्चे हैं, 25 और 21 साल के, अभी वो बड़े हैं. और मेरा पूरा परिवार जानता है कि मैं दीवानी हूँ कला के. और आज दौर ऐसा चल रहा है कि मेरे ज़माने के कई लोग, मेल फीमेल, फिर से परफॉर्मेंस की दुनिया में आ रहे हैं. और ये मेरा पैशन है, डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक वगैरह. तो मैं भी आ गई भारत देश की जो मिट्टी की जो खुशबू है वो मुझे फिर वापस खींच लाई है. और मैं यही चाहूँगी कि ये जो यात्रा मेरी रहेगी, ये सेकंड इनिंग्स जिसे आप बोल सकते हैं, मैं बहुत उत्सुक हूँ जाने के लिए कि आगे आगे क्या होता है. अपनी तरफ से मैं हर माध्यम को अपनाना चाहती हूँ. बड़े पर्दे पे क्यों ना हो, टीवी क्यों ना हो, वेब क्यों ना हो, स्टेज क्यों ना हो, हर हिसाब से मैं कदम आगे बढ़ाना चाहती हूँ. और वो बढ़ाने के लिए लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि मैं वापस आई हूँ. और फिलहाल मैंने पुणे को अपना होम बेस बनाया है, मैं यहीं रहती हूँ. और बम्बई से कई अलग अलग किस्म के ऑफर्स आए हैं. सबसे पहला कौन सा अटेम्प्ट दर्शकों के सामने आएगा वो मैं खुद नहीं जानती. मैं 15 साल तक रही फिल्म जगत में, बम्बई में. आजू बाजू में सब लोग मराठी में ही बात करते थे, फिर भी अफसोस मैंने मराठी बोलना सीखा है. सिर्फ कुछ वर्ड्स जानती हूँ, जैसे कि मेरी एड्रेस पर किसी को जब टोक देती थी तो बोलती थी क्या बात. मुझे पूरी मराठी आती है. तो मराठी फिल्म करना आई डोंट थिंक इज इम्पॉसिबल.
क्योंकि ये भाषा मुझे काफ़ी समझ में आती है, रट्टे मारने पड़ेंगे। पर देखिए ना, इतनी नॉर्थ इंडियन लड़कियाँ या अब्रॉड में रहने वाली लड़कियाँ आपके साउथ की फिल्में कर रही हैं, जब उनको इतना भी नहीं मालूम था। सो आई एम कॉन्फिडेंट अगर अच्छी फिल्म मिलेगी, अच्छा डायरेक्टर मिलेगा तो